हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम ई रिपोर्ट को ऑन करते हैं। तो चलिए, पावर बटन को मैंने बंद कर दिया, फिर से ऑन कर लिया। तो ये हमारा कंप्यूटर अभी खुल रहा है। तो ये देख क्या क्या, एक कीबोर्ड है हमारी इसमें डिवाइस में और एक माउस है। तो ये हमारा कंप्यूटर ऑन हो रहा है, देखते हैं। ये देख फ्रेंड, ये बिना किसी दिक्कत के सीधा विंडोज़ ऑन हो गया। देख सकते हो, स्टार्ट विंडोज़ नॉर्मली। तो चलिए हम अपने कीबोर्ड का एंटर दबा देते हैं। तो ये मैंने दबा दिया एंटर, और हम चेक करते हैं कि हमारा कंप्यूटर ऑन होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देखो, कभी कभी ना हमारा कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे देता है, मतलब ऑन ही नहीं होता है। बट ये देखो, कभी कभी बिना किसी प्रॉब्लम के खुद ब खुद ऑन हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसे ही होता है तो फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा कि क्या क्या करना होता है अगर आपके साथ वैसा हो। तो पहले ये देख लेते हैं कि इसको कितना टाइम लगेगा। तो इसको ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आपको पूरा दिखे कि इसमें भी क्या क्या होता है। बट वीडियो को कट मत करना, आपको दिखेगा कि अगर इस चीज़ से अगर कभी कभी ना खुले तो आपको कौन सा वीडियो ऑन करना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या, मतलब आपको दिक्कत आएगी तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें सारा कुछ बता दिया है। तो चलिए अपने वीडियो पे चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपने इसका पहले देखा है, मेरे कंप्यूटर को मैंने बूट दिवस तब एक पावर बटन से ऑन कर लिया, तो वैसे फिर से एक बार हो गया था। और इस बार मतलब कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा था वो उस पावर बटन दबाने के बाद भी। तो देखिए मैंने कैसा दिमाग लगाया और क्या क्या किया तब जाके ये कंप्यूटर ऑन हुआ। तो चलिए अपने कंप्यूटर पर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या करना होता है। लेट्स गो। तो देखो हमारा जो कंप्यूटर वो बूट डिवाइस पर चला गया, तो चलिए हम इसको ऑन करने का तरीका देखते हैं। तो चलते हैं हम कंप्यूटर पर। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको सबसे पहले ये हार्ड डिस्क का वायर निकालना है, और ये सारे वायर निकाल के आपको इसमें वापस से लगा देना है, अच्छे से साफ़ कर लेना। ये इसलिए निकालने होते हैं क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हार्ड डिस्क का ही प्रॉब्लम बताता है। तुम देखना वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम बताता है तो वो हार्ड डिस्क लिखा होता है, तो ये वायर जो होते हैं ना ये अच्छे से लगे नहीं होते। तो इसलिए इसको निकाल देना, अच्छे से फूक मार के साफ़ कर लेना। कचरा भी जा सकता है ना, इसलिए इसको फूक मार के साफ़ करना होता है, और वापस से इसको वही अपनी जगह पर लगा देना। और वो लगाने के बाद आप ऊपर आना, ऊपर के जो वायर लगे होते हैं इनको भी मतलब थोड़ा फूक मार के ना साफ़ कर लेना, और इसको वापस से वही अपनी जगह लगा देना। जब भी आप वायर निकालो तो एक एक निकालना फ्रेंड्स, और एक एक करके ही मतलब अपनी जगह फूक मार के वापस लगा देना। ज़्यादा वायर निकालोगे तो आपको ये प्रॉब्लम होगी बाद में कि आपने कौन सा वायर कहाँ से निकाल दें, मतलब निकाल कर रखा है। तो इसीलिए आपको जब भी मतलब ये करना है तो दो दो वायर या एक एक वायर ही निकाले, और अच्छे से ध्यान रखें कि आपने कौन सा वायर कहाँ से कैसे निकाला था, और वैसे ही उसी तरीके से वहाँ पर वापस लगा देना, क्योंकि बाद में ये प्रॉब्लम ना हो आपको। तो फ्रेंड्स ऐसे एक ना होने के बाद खुल जाता आपको है। ये नीचे आ जाना है। नीचे में भी थोड़े से वायर होते हैं, देख सकते हो यहाँ पे दो वायर होते हैं। नीचे वाले जो पट्टी होती है ना, जहाँ पे सारे कुछ वायरिंग्स होती है, वहाँ पे दो वायर होते हैं, इनको भी निकाल देना है। और निकालने के बाद थोड़ा फूक मार के वापस से लगा देना है। ये देखो धीरे से लगाना कि कोई वायरिंग ना टूट जाए हाथों से। और उसके बाद ये दूसरी वायर भी होती है, ये थोड़ी हार्ड होती है। देखो यहाँ से ये वायर को आपको निकालना है, ये देखो इस वायर को आपको धीरे से निकालना है। ये बहुत ज़्यादा फीड होती है तो धीरे से निकालना, कहीं आप जोर से झटका मार दो तो कोई और वायर ना टूट जाए या कोई पिन विन ना टूट जाए वहाँ पे, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत सी फाइबर वाली चीज़ें होती है जो टूट सकती है आपकी गलती से। इसको अच्छे से निकालना धीरे से ऐसे, और इसको भी थोड़ा फूक मार के वापस से अपनी जगह लगा देना। तो ऐसे ही करना होता है, सारा चीज़ अपनी जगह से निकाल लेना और अपनी जगह लगा देना। और उसके बाद को ये पंखा होता है, अगर ये चीज़ इससे ना हो तो ये पंखा होता है, यहाँ से इसको गोल घुमाने का, गोल घुमाने के बाद ये हर चार जगह होती है, चार जगह से गोल घुमा के निकल जाता है। उसके बाद ये सेल होता है, इस सेल को आप निकाल दिया करना। जैसे ये सेल को निकालोगे तो इसको थोड़ा घिस लेना, क्योंकि ये सेल कभी कभी चार्ज ही नहीं होता तो इसको घिस के ना चार्ज करना होता है। तो चार्ज होने के बाद ये मतलब फिर से वर्क करने लगता है, बट हम वो नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पीछे शायद ऐसे ही काम शुरू हो जाए। तो चेक करते हैं कि शुरू हो गया है या नहीं हुआ है। कुछ आवाज़ आ रही है, शायद कुछ टच हो रहा है मेरे पीसी में। अच्छा ये वायर है। देखो फ्रेंड्स, तो आपको भी ऐसे ध्यान रखना है कि मतलब काम हो जाए तो सीधा बंद मत कर देना, पहले चेक करना कुछ रहे तो नहीं कि आपके हाथों से। जैसे मेरे हाथों से यह वायर थोड़ा सा ढीला रह गया था, देखो तो ये पंखे के फैन में जो होता है घूमता है उसमें टच हो रहा था। तो इसको रखते हैं अपनी जगह पे। और फ्रेंड्स एक बात याद रखना कि ये सारा कुछ वो जो दिखाते हैं स्क्रीन पे उससे होता है या नहीं होता है मुझे पता नहीं फ्रेंड्स, शायद होता होगा। बट मेरा कंप्यूटर जब भी ऐसे रिपोर्ट पे जाता है तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, और मेरा कंप्यूटर ऐसे ही मतलब हर बार खुल जाता है जो भी रिपोर्ट हो जाता है। तो मैं तो कभी वो स्क्रीन पे जो आता है F11 डिलीट आते हैं वो मैंने कभी किया नहीं है। तो जो भी करता हूँ मैं ऐसे ही करता हूँ, तो आप भी ये ट्राई करके देखना। ये मैंने आपको इसलिए शेयर किया क्योंकि फ्रेंड्स हो सकता है कि जैसे मैं प्रॉब्लम होती है वैसे आपको भी प्रॉब्लम हो। तो देखो फ्रेंड्स ये विंडोज़ खोल गया, तो बस
मैंने इसलिए आपको शेयर किया ताकि बाद में कभी कोई वो जो फेक दिखाते हैं ना कि ये डालो वो डालो फिर आपको वो करना है, ये सॉफ्टवेयर डालना है, तो फ्रेंड्स कोई सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर नहीं डालना होता है, ना किसी से कनेक्ट करना होता है, ये ऐसे ही खुल जाता है फ्रेंड्स। तो देखो आप, मेरा अभी कंप्यूटर खुल गया है इसी तरीके से, तो आप भी अपना ही कंप्यूटर ऐसे करके देखना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वो सारे वायर निकाल के नहीं हो तो वो पंखा ज़रूर निकाल के वो सेल को घिस के थोड़ा चार्ज करके कर लेना, 100% आपका पीसी ऑन हो जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स को जिसका भी ऐसे पीसी ख़राब हो, ताकि उसको भी अच्छे से समझ आए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर मुझे बताना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, तो मैं चलता हूँ और आप भी अपना पीसी को ऑन करके इन्जॉय करना।